हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.4 नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एट द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट एटी एट इज द ओरिजिनल नंबर तो यहां पर भी आपको क्या करना है टू uh, डिजिट का एक नंबर है वो नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वही हमने क्या किया यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मान लिया एक्स अब आपको पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट तो टेंस प्लेस आपका क्या हो गया थ्री टाइम्स द अदर डिजिट यानी कि थ्री टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट तो इट बिकम्स थ्री एक्स नाव आपका टू डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है यू नो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था टेन मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट तो आपका देखिए ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो गया टेन मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस डिजिट आपकी कितनी लाइट की हुई है थ्री एक्स

क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ने कहा है कि इंटरचेंजिंग द डिजिट तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटरचेंज की थी डिजिट तो देखिए जो यहां मल्टीप्लाई बाय टेन है ये किसके साथ चला जाएगा आपका यूनिट प्लेस डिजिट के साथ तो देखिए थ्री एक्स इंडिविजल रह गया प्लस ये जो टेन है ये यह यहां से शिफ्ट होके किसके पास चला गया एक्स के पास तो देखिए टेन मल्टीप्लाई बाय एक्स तो ये आपका क्या हो गया न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर आपका कितना है यहां से यहां से थर्टी वन एक्स और इज इक्वल टू में एट्टी एट आप इसको सॉल्व करेंगे थ्री एक्स प्लस टेन एक्स प्लस थर्टी वन एक्स इज इक्ल टू एट ये इन सब ये सारी एक्स टर्म्स हैं इनको सॉल्व कर दिया तो फोर्टी फोर एक्स आ गया और यहां पर एक्स को सॉल्व करके टू आ गया अब आप आपको क्या निकालना है ओरिजिनल नंबर निकालना है तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है थर्टी वन Next, आपने पर टू की एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया टू थर्टी वन मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था टू डिजिट का वो क्या था सिक्सटी टू नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर फाइव शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज सिक्स टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज शोबोज़ एज फाइव इस फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज वॉट आर देयर प्रेजेंट एज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे शोबो एक्सीएस मान लेंगे शोबो की ही एज को हमने एक्स क्यों माना क्योंकि जो शोबोस की आ, मदर की एज है वो शोबो की एज पर डिपेंडेंट है तो इसलिए लेट शोबोस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्सीएस तो फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन शोबोस मदरस प्रेजेंट एज इज सिक्स टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज तो इसलिए शोबो की प्रेजेंट शोबोस की, की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो गई सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स यानी कि सिक्स एक्स अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है देखिए शोबोज एज फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि केवल शोबो की एज को क्या करना है फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ और फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ फाइव इयर्स आफ्टर इसलिए शोबो की एज में फाइव इयर्स एड हो गए फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज यानी कि शोबो की जो

कम्स थर्टी इन तो दोनों की प्रेजेंटेजेस आ गई नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ध्यान से देखेंगे नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज देर इज अरोक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहली विज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो इलेवन रेशो फोर तो अभी तो यहां तक का क्वेश्चन रीड किया है इसके हिसाब से हम देख लेते हैं तो देखिए लेथ और ब्रेथ का रेशो दिया गया आपको इलेवन रेशो फोर तो अगर मैं बात करूं लेट लेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपकी क्या हो जाएगी इलेवन एक्स रेशो में दिया है सेपरेट करेंगे एक वेरिएबल के साथ ले लेंगे और ब्रेथ क्या हो गई उस हिसाब से फोर एक्स अब आप देखिए आगे पढ़िए कि एट द रेट रुपीज हंड्रेड पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू फेंस द प्लॉट नाउ हेयर इज अ वर्ड फेंस अब फेंस का मतलब क्या होता है यू ऑल नो पेरीमीटर क्या होता है रीमीटर यानी कि यहाँ पर आपको टोटल पेरीमीटर की कॉस्ट दी गई है सेवेंटी फाइव थाउजेंड और पर मीटर की कॉस्ट दी गई है रुपीज हंड्रेड तो जब भी हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है और पर मीटर की कॉस्ट होती है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ वन मीटर तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है सेवेंटी अपॉन में क्या आ गया हंड्रेड इसको आपने सोल्व किया तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कितनी आ गई आपकी सेवन मीटर रिड्यूस इसको कट करके सॉल्व करके ठीक है अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइज एल प्लस बॉ पेरीमीटर यहां से आपकी कितनी है? सेवन फिफ्टी तो यहाँ पर पेरीमीटर की जगह एक्स दोनों को सॉल्व किया फिफ्टी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया थर्टी डिवाइड में, क्या होगा? आपका 30 में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इसको solve करके x की value कितनी आ गई ट्वेंटी अच्छा अब इसमें फाइंड आउट क्या करना था डायमेंशन ऑफ द प्लॉट तो डायमेंशन का मतलब हुआ लेंथ और ब्रेथ निकालनी है आपको प्लॉट की तो देखिए क्या थी आपकी इलेवन एक्स यानी कि इलेवन इंटू ट्वेंटी फाइव कितनी आ गई टू सेवेंटी फाइव मीटर और ब्रेथ ऑफ प्लॉट यानी फोर Into x, and yani ki 4 into 25 is equal to 100 meter.